वैष्णवी आपण परत इंडियन टीव्ही न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे. चला तर नजर टाकूयाच्या काही विशेष घडामोडींवर. इंडियन टीव्ही न्यूजचे व्हिडिओज नेहमी पाहण्यासाठी बेल कीला प्रेस करा आणि सबस्क्रायबर बना. काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक विभागाचे कल्याण डोंबिवली शहर जिल्हा अध्यक्ष सलीम शेख यांच्या वतीने त्यांच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून बाजारपेठ पोलिसांचा सन्मान करण्यात आला. आपत्कालीन वेळेत पोलीस प्रशासन कसलीही पर्वा न करता जनतेची आपल्या परीने सेवा करीत असते. त्यांचे मनोबल वाढावे, त्यांना अधिक उत्साहाने काम करता यावे यासाठी सदर सन्मान करण्यात आला होता. याप्रसंगी जिल्हाध्यक्ष सलीम शेख, उपाध्यक्षा शिफा महशर, उपाध्यक्ष सुशील प्रसाद, रुमन खटाटे, फिरोज सय्यद, मंदा कावडे, नाजिया शेख, फरहान शेख, नूर महम्मद शेख व इतर पदाधिकाऱ्यांनी बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात जाऊन पोलिसांच्या कर्तव्य तत्पर कार्याबद्दल जनतेच्या वतीने त्यांचे कौतुक व अभिनंदन केले. यावेळी सर्व पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांचा सत्कार करून सन्मान करण्यात आला. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यशवंत चव्हाण, गुन्हे निरीक्षक राजेंद्र अहिरे, प्रशासकीय निरीक्षक सुनील पवार, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रमोद सानप, अरुण घोलप, कीर्ती जावरे, विजय अहिरे, नंदकुमार केंजळ, स्वाती कांदळकर, अविनाश वनवे, पोलीस उपनिरीक्षक जनार्दन जाधव, निलेश वाडकर, अजमुद्दीन शेख, औदुंबर म्हस्के, संकेत शिंदे, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक दिलीप पाटील, पांडुरंग मुकादम, पोलीस हवालदार राजू खैरनार, सुरेश पाटील, गुलाबसिंग लिकडे, तुळशीराम पावशे, आसिफ अत्तार, पोलीस नाईक गणेश भोईर, गोरक्षनाथ पोटे, गणेश पाटील, प्रवीण देवरे, साहेबराव माळी, चालक पोलीस अंमलदार रामसिंग परदेशी, हवालदार अनिल जातक, पोलीस नाईक चिंतामण कातकाडे, महेश गभाले, प्रदीप सावंत, परशुराम इंगळे, पोलीस शिपाई विलास धोत्रे, रणुबा वैद्य यांना गौरवून त्यांचा सन्मान करण्यात आला. ब्युरो रिपोर्ट, इंडियन टीव्ही न्यूज. सद्भावना लोकांमध्ये रुजवण्यासाठी आपण केलेल्या कामाचं निश्चितच चांगलं फळ जनता देत असते, त्याचं हे जातीवंत उदाहरण आहे. आता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये मागील 2.5-3 वर्षामध्ये जे इथे जे गोरगरीब लोक आहेत, विशेष करून खाडी किनारी लोक आहेत, जे बेघर होतात, त्यांना त्या ठिकाणाहून उचलून दुसरीकडे त्यांचा निवारा करणे, त्यांना अन्नपाण्याची सोय करणे, फक्त व्यक्तीच नसून जनावरांना सुद्धा त्यांच्या चाऱ्याची सोय करणे, पाऊस पाणी न पाहता आणि परप्रांतीयांच्या सेवकांमध्ये सलीम आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी निश्चितच अनमोल कार्य केलेलं आहे. त्याबद्दल पुन्हा एकदा सर्वांच्या वतीने त्यांचं अभिनंदन. बाजारपेठ पोलिसांच्या प्रती जी आदराची भावना त्यांनी ठेवली, ती अशीच भविष्यात देखील वृद्धिंगत होईल आणि ते सतत पोलिसांना सहकार्य करतील अशी आम्ही अपेक्षा बाळगून. कल्याण डोंबिवली शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी का अल्पसंख्यक विभाग का जिल्हा उपाध्यक्ष हूँ. आज हम कल्याण डोंबिवली शहर अल्पसंख्यक विभाग के तरफ से सलीम भाई के नेतृत्व में बाजारपेठ पुलिस स्टेशन में हमने राजीव शौर्य पुरस्कार से पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर्स से लेके हर एक ऑफिसर्स को हमने सम्मानित किया है. इस सम्मान के कार्यक्रम में पूरी टीम हमारे साथ में थी और उनके शौर्य, उनके काम जो 2019 से लेके 2021 तक जो ये पैंडमिक के टाइम जो उन्होंने लोगों की सेवा की है, उनके लिए आज हमने सम्मान उनको किया है. कल्याण डोंबिवली जिला उपाध्यक्ष आज सलीम भाई के सौजन्य से बाजारपेठ पुलिस स्टेशन पे सम्मान पत्र दिया गया सबको. उसमें हमारी पूरी टीम साथ में थी और उसमें हम लोग सबका साथ हो गए. उन्होंने जो काम किए उसी के हिसाब से हम लोग उनका सम्मान पत्र दिए. आज हमने बाजार पुलिस स्टेशन में सत्कार किया है. राजीव पुरस्कार सत्कार किया गया है उन्हें. इसमें सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, निरीक्षक, मतलब हमने बॉटम लेवल से लेके सीनियर तक का रिस्पेक्ट किया है. वो इसलिए रिस्पेक्ट किया है कि जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक ड्यूटी होती है, वो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होती है सीनियर लेवल तक. तो इसमें सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन है क्योंकि वो अपनी जान की रक्षा किए बगैर, जान की परवाह किए बगैर बहुत कठिन से कठिन सिचुएशन में
निकल जाते हैं, जो अपना उनका जो उन्होंने जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरी तरीके से अपनी फैमिली की और अपनी खुद की परवाह किए बिना पूरी कर देते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम सबको सलाम है उनके लिए कि वो अपना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होके जो उनके देश के लिए है वो हर कठिन से कठिन हालत में पूरी करते हैं। ऐसा है कि आज कल्याण डोंबिवली शहर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष हूँ और ये मेरी सारी पूरी टीम है, शिफा महेश्वर, सुशील प्रसाद, फिरोज सैयद, नाजिया, अजय पुनकिया और काफ़ी लोग थे हमारे। मैं आज उन लोगों का सम्मान करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब भी कोई देश के ऊपर आपदा आती है तो सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट को आदेश आते हैं और उन्हीं को आदेश आने के बाद में वो अपने ना घर वालों की, बीवी बच्चों की और किसी की परवाह ना किए, भले वो रात हो, दिन हो, कोई भी टाइम हो, उनको उठकर आके लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। मैं समझता हूँ कि वो पुलिस खाकी जो है उन लोग पहने हुए, ये देश की रक्षा करने के लिए, देश की जनता की रक्षा करने के लिए इन लोग अपनी जान की बाजी लगाते हैं। और बहुत सारे ऐसे हम लोग देखे वीडियो आते हैं, किधर पुलिस ने मारा वो उठा के वीडियो कोई भेज देता है, किसने पैसा लिया उठा के वीडियो भेजता है, तो उस हिसाब से उनका मनोबल कहीं ना कहीं टूट जाता है और पब्लिक के अंदर उनके एक नेगेटिव इमेज आती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये टाइम पे हम लोग उनका कुछ मनोबल बढ़ाने के हिसाब से 2019 से लेकर तो अब तक हमने जो देखा है कोविड के इसके अंदर, तो पुलिस प्रशासन ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है, जितनी तारीफ की उतनी कम है। क्योंकि हर आदमी मौत के खौफ से अपना घर नहीं छोड़ता था, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा था, वो कोई भी स्टेट की पुलिस हो, वो एक पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा था कि उन लोग को सब छोड़ के अपनी जान की बाजी, अपनी जान हथेली भी लेकर अपने परिवार की ना परवाह किए हुए उन लोगों ने आके पब्लिक के बीच में पब्लिक को समझाने का काम किया है। अभी बात ऐसी है ना, कोई नए समझदार आदमी रहता है तो उसके लिए उन लोगों को बल प्रयोग करना पड़ा हो तो उसमें उनकी गलती नहीं है, अगर वो किया भी है तो पुलिस ने उसके भलाई के लिए किया है, ना कि उसके कोई जातीय फायदे के लिए नहीं। तो आज हमने यही सब सोच के दिल में एक ऐसा हम लोग एक कमेटी है पूरी, हम लोग जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो लोग है, हम लोग ने यही सोचा कि क्यों ना ये टाइम पे अपन उन लोग का सत्कार करें और उन लोग को सत्कार करके उनको सम्मानित करें। या होता इंडियन टीव्ही न्यूज, तुम्हाला आमचे संपर्क करायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क साधू शकतात 9320420420। तर आता वेळ झाली निरोप घेण्याची, उद्या पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी, तोपर्यंत धन्यवाद।